ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक। टॉपिक है हमारे पास बेटा AS 16 ऑन बोरोइंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 शुरू कर रहे हैं AS 16 बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर। ग्रुप वन के लिए हमारे पास ये CA इंटरमीडिएट ग्रुप वन के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलिवेंट है। 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग तय है, मिलेगा ही मिलेगा। और बेटा सबसे अच्छी बात क्या है, बेहद ही आसान। लो बेटा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ऑन बोरोइंग कॉस्ट। पूरा का पूरा AS न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पहले हम AS पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड वेरियस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात बेटा यही आती है हमारे पास कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या बेटा? अगर हम बोरिंग कॉस्ट वर्ड की बात करें तो वर्ड बोरिंग कॉस्ट अगर आप देखें तो दो शब्द हैं यहां पर, एक बोरिंग और दूसरा लिखा हुआ है कॉस्ट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब होता है बेटा खर्चा। खर्चा क्या मतलब है बेटा? खर्चा। कॉस्ट का मतलब खर्चा। किस चीज के ऊपर खर्चा? खर्चा ऑन बोरोइंग्स, जो पैसा आपने किसी से बोरो किया, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो, डिबेंचर्स इशू किए हो, वहां से लोन आया हो, कोई अनसिक्योर्ड लोन हो, तो ये जितना भी पैसा आपने बोरो किया, जब आप कोई पैसा बोरो करते हैं, जब आप कोई बोरोइंग्स करते हैं, बोरोइंग्स ऑफ फंड्स, जब आप कोई पैसा बोरो करिएगा, तो दोज बोरोइंग्स विल इन्वॉल्व सर्टेन कॉस्ट। उन बोरोइंग्स के वजह से कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी आपको। नाउ दोज कॉस्ट आर कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट। को बताया दिमाग में क्या आ रहा है जब मैं बोल रहा हूं बोरिंग के वजह से एक खर्चा आपको करना पड़ा? हाँ, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एंड दैट इज इंटरेस्ट। भाई जब पैसा उधार लोगे, जब आप पैसा उधार फंड्स बोरो करोगे, तो दैट बोरोइंग ऑफ फंड्स विल इन्वॉल्व सर्टेन कॉस्ट, सर्टेन खर्चा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जब पैसा बोरो करिएगा तो आपको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नाउ दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे हम यहां पर बोरिंग कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करूं अगर तो आज के बाद जब भी मैं वर्ड बोरिंग कॉस्ट यूज करूंगा आपके जहन में ब्याज आना चाहिए। बोरिंग कॉस्ट यानी ब्याज, ब्याज यानी बोरिंग कॉस्ट। हाँ वो अलग बात है, वो अलग बात है कि बोरिंग कॉस्ट में कुछ और चीजें भी आएंगी, कुछ और चीजें भी कवर होंगी। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो अपनी समझ के लिए जब जब मैं शब्द अब बोरिंग कॉस्ट बोलूंगा आपके जहन में आना चाहिए इंटरेस्ट। हाँ वो अलग बात है, AS में भी लिखा हुआ है बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस यानी कोई और भी अगर एक्सपेंस हुआ इन बोरोइंग्स के वजह से, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट। सर अदर खर्चा जैसे? बेटा जैसे आप ऐसा मानिए, मैंने जब लोन बोरो किया, जब मैंने पैसा किसी से उधार लिया,
तो शायद कुछ स्टैंप ड्यूटी, कोई लीगल चार्जेस, कोई और खर्चा भी आया होगा। जब बैंक से लोन लेते हो तो 50 फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती हैं, 50 तरीके के और खर्चे भी होते हैं, तो वो सारे खर्चे भी आर ऑल्सो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, सीधा सीधा संबंध है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। सुनो बेटा, वर्ड इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यानी कि ये खर्चा ना होता। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है वो खर्चा जो इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने बोरिंग्स की थी। तो दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बोरिंग्स ऑफ फंड्स इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। आई होप ये बोरिंग कॉस्ट समझ में आ गया होगा मोटा माटी। मैंने लोन लिया, सर हम लोन क्यों लेंगे? हाँ ये बात भी सही है, लोन लेंगे हम कि जी एसेट खरीदनी है, वर्किंग कैपिटल्स मर्रा के काम पूरे करने हैं, मेरे को एक प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए समय समय पर पैसा चाहिए होगा, या आज एक प्लांट इक्विपमेंट ऑर्डर करना है विदेश से, मुझे उसके लिए आज पैसा चाहिए होगा। तो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्स बोरिंग्स। जब बोरिंग्स होंगी तो उससे संबंधित जितने खर्चे, उस बोरिंग्स के वजह से जितने खर्चे आपको इनकर करने पड़ेंगे, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड द बोरिंग कॉस्ट। ये एएस मेरे को सिखाएगा, ये एएस मुझे सिखाएगा कि ऐसी सारी बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, हाउ टू ट्रीट सच काइंड ऑफ बोरिंग कॉस्ट, इन सब बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मैंने बताया आपको पहले भी कि दिस इज प्योरली अ न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंट्रीज सीखेंगे, ट्रीटमेंट सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। ट्रीटमेंट कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट माने क्या बताया, जल्दी बताओ फटाफट से। बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट, बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बोरिंग ऑफ फंड्स इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट, इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। खत्म बात। अब अगली चीज सीखेंगे हम, ट्रीटमेंट क्या होगा जी, ट्रीटमेंट इस बोरिंग कॉस्ट का। ठीक है सर, ब्याज दे दिया हमने, अब इस ब्याज का करना क्या है, हाउ टू ट्रीट दिस अकाउंट, हाउ टू ट्रीट दिस बोरिंग कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने ब्याज दिया, मैंने मशीनरी खरीदने के लिए लोन लिया था, उस पर ब्याज दिया, मैंने प्रोजेक्ट लगाया एक, उसके लिए समय समय पर पैसा चाहिए था, बोरो किया, उस पर ब्याज दिया, या मैंने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी मुझे, उसके लिए मैंने लोन लिया, उसके ऊपर ब्याज दिया। तो हाउ टू अकाउंट फॉर ऑल दीज बोरिंग कॉस्ट। AS 16 का उद्देश्य सिर्फ वही सब सिखाना है मुझे कि इन सब की अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे हम अपने यहाँ। तो बेटा शुरू कर दें इसके बाद, या थोड़ी सी मैंने आपको बेस बताया है कि AS 16 बोरिंग कॉस्ट किस बारे में चर्चा कर रहा है। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं पता होना चाहिए AS का नाम, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक की बात से मेरी जहन में ये तो बैठ गया होगा कि बोरिंग कॉस्ट क्या, बोरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट या ऐसे ही कोई दूसरे खर्चे विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू बोरिंग ऑफ फंड्स। बेटा ठीक है इतनी बात, ठीक है सर लिखो। तो बेटा मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें चार्ट बनाएंगे और चार्ट की मदद से ही सारा काम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, लिखिए AS 16 क्लास 1 है हमारी आज, ये AS 16 के ऊपर सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे इसमें
मीनिंग मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट, मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट। लिखो बेटा, हेडिंग बनाइए इसको एक, मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट, मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट लिखें। नेक्स्ट पेज पे जाके लिखेंगे, चार्ट में मत लिखिएगा, थोड़ा सा लंबा लिखाना है मुझे, नेक्स्ट पेज में लिखिए मेरे साथ। इस चार्ट को हम ट्रीट करेंगे एज अ समरी ऑफ द एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसकी एक्सप्लेनेशंस हम सब्सिक्वेंट पेजेस पर धीरे धीरे कवर करेंगे बेटा, ठीक है? चलो सबसे पहले लिखें, नेक्स्ट पेज पर लिख रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट मीन्स, लिखें बेटा, बोरिंग कॉस्ट मीन्स क्या बताया था बेटा, मीन्स इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट भी हो सकता है और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, यही तो बताया। बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या, इंटरेस्ट हो या कोई दूसरे खर्चे हो, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। बेटा ये क्यों इंटरेस्ट आपने इनकर किया, जल्दी बताओ। यस, इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज, और क्यों खर्चा किया गया, ये इंटरेस्ट या दूसरे खर्चे, इंटरेस्ट या दूसरे खर्चे जो किसी एंटरप्राइज ने इनकर किए, इंटरेस्ट एंड अदर खर्चे इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। लो जी, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब हुआ इंटरेस्ट या कोई इसी प्रकार के दूसरे खर्चे, इंटरेस्ट या इसी प्रकार के दूसरे खर्चे जो हमने एंटरप्राइज ने इनकर किए। किस लिए इनकर किए, क्योंकि क्योंकि हमने कोई फंड्स बोरो किए थे। हाँ, काश काश बेटा मैंने लोन ना लिया होता, काश मैंने लोन ना लिया होता तो मुझे इंटरेस्ट भी ना देना पड़ता। मैंने लोन लिया इसलिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, इसलिए मुझे सर्वे कराना पड़ा, इसलिए मुझे स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ी, इसलिए मुझे लीगल फीस देनी पड़ी। तो इसलिए जो वर्ड है ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज विच आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू बोरिंग ऑन फंड्स इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स, या लिख लो ब्रैकेट में चाहो तो, दैट इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द बोरिंग ऑफ फंड्स, इंटरेस्ट या दूसरे खर्चे जो किसी एंटरप्राइज ने इनकर किए एंड विच आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू बोरिंग ऑफ फंड्स। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल का मतलब सीधा सीधा संबंध, अगर अगर ये फंड्स ना बोरो करते तो ये खर्चा भी ना पे करना पड़ता। आई होप मैंने काफ़ी चर्चा इसके ऊपर कर दी है आपके साथ, फटाफट से नोट कर लो उसको। नेक्स्ट पेज पर नोट कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर नोट कर रहे हैं बोरिंग कॉस्ट के बारे में मीनिंग। लिखो बेटा फटाफट से लिखिए, तो बेटा क्या क्या चीज कवर हो जाएंगी इसमें, लिख लो इसी में ही, इट इंक्लूड्स बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, बताया मैंने आपको, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, या और एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, लिखो ये तो इसमें कवर था, और क्या क्या चीजें कवर होंगी इसमें, लिखें फाइनेंस चार्जेस भी बोल देते हैं बहुत बार हम इसको, फाइनेंस चार्जेस
एक फाइनेंस लीज होती है, AS 19 में कवर करेंगे ग्रुप टू में जाकर। उसमें इंटरेस्ट को हम मेनली फाइनेंस चार्जेस ही बोलते हैं, फाइनेंस चार्जेस। अच्छा, आपने डिबेंचर इशू किए, उन डिबेंचर को इशू करने में आपको डिस्काउंट देना पड़ गया, डिस्काउंट खर्चा है। हाँ जी, खर्चा है। क्या ये बोरिंग कॉस्ट है? सर, बोरिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू बोरिंग ऑफ फंड्स। तो मैंने फंड्स बोरो किए, डिबेंचर इशू किए, इसलिए डिस्काउंट देना पड़ा। अगर मैं डिबेंचर इशू ना करता तो डिस्काउंट ना देना पड़ता, तो यस, दिस इज अ बोरिंग कॉस्ट। लिखो, लिखिए एमोर्टाइजेशन amortization of discount on issue of debentures। तो जो discount आप write off करते हैं हर साल, वो भी borrowing cost ही है आपकी। नेक्स्ट लिखें लास्ट, एक्सचेंज डिफरेंसेस। ये क्या है सर? बेटा इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। एक्सचेंज डिफरेंसेस काफी कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में हम AS 11 में जाकर भी, लेकिन कुछ यहां पढ़ाऊंगा, कुछ AS 11 में जाकर पढ़ाऊंगा, फिलहाल लिखकर छोड़ दीजिए। तो पहला सेगमेंट खत्म हो गया, मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपके जहन में बैठ जाए, अभी एक बिल्कुल साफ क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में ये रहे, जैसे ही कोई बोल रहा है आपको बोरिंग कॉस्ट, अच्छा ब्याज की बात कर रहे हैं, ओहो ब्याज की बात कर रहे हैं, कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ बोरिंग्स, उसकी बात कर रहे हैं। बेटा नोट कर लिया सबने? देखो फटाफट से, फटाफट से नोट करिए, नोट करिए बेटा। देखिए नेक्स्ट, चलिए अब बात आती है सर इस बोरिंग कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करिएगा, हाउ टू ट्रीट दिस बोरिंग कॉस्ट। लो जी, तो बात आ गई ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा? इंटरेस्ट का, ये देखिए यहां पर मैंने यहां पर 1 जनवरी 2020 को लोन लिया 10 लाख का एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% के भाव पर मैंने लोन ले लिया, और यहां पर 31 मार्च 2021 में अभी तक लोन रीपे नहीं हुआ, लोन कंटिन्यू है, यहां कहीं जाकर लेट्स से लोन रीपे किया, लेकिन यहां तक का इंटरेस्ट बैठेगा 10 लाख पर 12% के हिसाब से 1.2 लाख रुपीस। इस फाइनेंशियल ईयर का 2020-2021 का इंटरेस्ट बैठा 1.2 लाख रुपीस। नाउ दिस 1.2 लाख रुपीस इज क्लियरली द बोरिंग कॉस्ट। यस, ये बोरिंग कॉस्ट है, ये बोरिंग कॉस्ट ही है। सर क्या करेंगे इस बोरिंग कॉस्ट का, क्या करेंगे इस बोरिंग कॉस्ट का, वो निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि ये जो आपने बोरिंग्स की थी, इसका पर्पस क्या था, यह आपने बोरिंग्स की क्यों थी, किस चीज के लिए की थी, यह पर्पस तय करेगा कि इस बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। यह
आपने जब लोन लिया तो क्या सोच कर लिया था, क्या करोगे उस पैसे का, ये चीज तय करेगी कि उसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। आई होप बात ठीक है इतनी। ठीक, तो अब आपने बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, तो इसमें लिखें, इसको हटा दूं यहां से बेटा। देखें, बोरिंग कॉस्ट की होगी आपने ऑन ऐसे लिखो, इसको दो केस बना दिए, बोरिंग कॉस्ट ऑन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ, बोरिंग कॉस्ट ऑन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट बेटा लिख लो अभी, आई होप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। बोरिंग कॉस्ट ऑन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, या फिर अदर बोरिंग कॉस्ट। अदर बोरिंग कॉस्ट तो बस यही पढ़ने वाली बात है, कई सारे शब्द हैं इसमें जिसकी मैं चर्चा वन बाय वन करूंगा। देखो, सुनो मेरे साथ साथ, यहां लिखा हुआ है बोरिंग कॉस्ट ऑन एक्विजिशन, पूरे एएस में बार बार शब्द यूज होंगे, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, एक शब्द ये भी आ गया, व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट, एक एक करके समझते हैं। पहले बताइए एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। एक्विजिशन का मतलब प्रोक्योरमेंट, गए जाकर एक्वायर करके ले आए, एक्विजिशन। दूसरा क्या है वर्ड, कंस्ट्रक्शन बनाना, और ये क्या है प्रोडक्शन, ये भी क्या होता है बनाना है? कंस्ट्रक्शन का मतलब भी बनाना, प्रोडक्शन का मतलब भी बनाना, कुछ और टेक्निकल हाँ फर्क है। द वर्ड कंस्ट्रक्शन रिलेट्स टू फिक्स्ड एसेट, कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड एसेट की होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन होती है किसकी, इन्वेंट्री की, स्टॉक की, सो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। तीन शब्द लिखे हैं मैंने इसलिए, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। सर ये क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, बता रहा हूं बेटा अभी, वो भी इतना नोट करो पहले। तो अगर ऐसा है तो बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ एसेट, इसे तो कैपिटलाइज कर देंगे, और अदर अगर है तो बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, बाकी जो बोरिंग कॉस्ट है उसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। बस यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कुछ नहीं और इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। एक दो पॉइंट और हैं, फर्जी से पॉइंट हैं, बता दूंगा, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं आज तक वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं, इसी के ऊपर बेस्ड हैं। आपने लोन लोगे, उस लोन पर बोरिंग कॉस्ट इनकर करोगे, तो आपको ये तय करना है कि वो बोरिंग कॉस्ट आपने इस वजह से इनकर की है
या इस वजह से नहीं की है। अगर इस वजह से की है तो ये कर डालेंगे, वरना ये ट्रीटमेंट होगा, वरना ये ट्रीटमेंट होगा। बेटा करो नोट फटाफट से, करो नोट फटाफट से। बोरिंग कॉस्ट ऑन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट लिखें बेटा जरा नेक्स्ट पेज पे जाकर। क्वालिफाइंग एसेट भी पढ़ लेते हैं, क्वालिफाइंग एसेट भी पढ़ लेते हैं, लिखें फटाफट से। बेटा हटा दूं से यहां से, चलो ये तो चाहिए वैसे मुझे, यहां लिख रहा हूं मैं, लिखें क्वालिफाइंग एसेट मींस एसेट्स, कौन सी एसेट्स, एसेट्स विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, 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 सब्सटेंशियल पीरियड कीवर्ड है, वो एसेट जिनमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाएगा फॉर गेटिंग रेडी, तैयार होने में, फॉर गेटिंग रेडी, किस चीज से तैयार कर रहे हो उसको, फॉर गेटिंग रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। समझो बेटा, समझो बेटा, वो एसेट एस 16 कहता है, वो एसेट जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाएगा, ठीक ठाक समय लगेगा। सर ये ठीक ठाक समय किसे माने, एस ने बाद में कहा कि 12 मंथ्स विल बी टेकन एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, ऑल दो हम अपने एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए एक महीना लेंगे, एक महीना, अगर एक महीना भी लग रहा है किसी एसेट को बनाने में तो यस दैट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान लिया जाएगा उसे। वापस आइए, तो जिस एसेट को बनाने में तैयार करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो, अच्छा तैयार करके करोगे क्या उसका, उस एसेट का तैयार करके करोगे क्या, अच्छा करना क्या है, या तो खुद यूज करेंगे, जैसे कोई मशीनरी हुई, कोई प्लांट इक्विपमेंट हुआ, तैयार किया खुद यूज करेंगे, या फॉर इट्स सेल उसे बेच देंगे। तैयार क्यों कर रहे हैं, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, यानी इंटेंडेड यूज किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं, सेल किसकी बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो एक एक वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर एक एक वर्ड यहां पर हम कवर कर रहे हैं इन एएस, इन क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब वो एसेट जिनको बनाने में तैयार करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो। लिखें इसी में नेक्स्ट लाइन, नोट नोट लिखिए, नेक्स्ट पेज पर लिख रहे हैं सारी चीजें, ये जहां आपने भी डेफिनेशन लिखी थी बोरिंग कॉस्ट की उसी पेज पर, ये पेज पर चार्ट पेंडिंग चल रहा है अभी, यस लिखें नोट, नोट लिखिए फटाफट से लिखें। जनरली जनरली जनरली
पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज टेकन एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. जनरली पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज टेकन एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. 12 महीने को हम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानते हैं. अगर वो पूछेगा डेफिनेशन तो ये लिखेंगे, ऑल्दो पूछता नहीं है डेफिनेशन, लेकिन अपने फॉर एग्जाम पर्पस एक महीना लिख लें इसी में, चाहे तो अपनी याददाश्त के लिए. कहीं आपको लिखना नहीं है, ये एग्जाम में कहीं नहीं लिखना. फॉर एग्जाम पर्पस एक महीना भी लग रहा है तो उसको हम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान लेंगे, सेफर साइड पर रखते हुए. ठीक, ज्यादा होगा तो एक नोट डाल देंगे. इन दिस केस अ पीरियड ऑफ 1 month इज टेकन एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम और इसलिए इसको हमने क्वालिफाइंग एसेट मान लिया है. चलो वापिस आइए. तो यानी जिस एसेट को बनाने में एक अच्छा खासा समय लग रहा हो, दैट एसेट इज कॉल्ड द क्वालिफाइंग एसेट. उस एसेट को हम क्वालिफाइंग एसेट बोल देंगे. वापस आए लौट कर. तो अगर इस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए आपने कोई पैसा बोरो किया, उस बोरिंग्स पर कोई खर्चा किया, तो वो बोरिंग कॉस्ट यहां पर आएगी. समझो, किसी क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है तो क्या होगा, उस बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड, जोड़ देंगे विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट. उसको हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ कर दिखाएंगे. यानी जो इंटरेस्ट आपने इनकर किया, जो पिछला भी एग्जाम्पल बनाया था, मान लेते हैं वो लोन लिया था बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसके ऊपर जो भी आप ब्याज देंगे, एंट्री क्या करेंगे जल्दी बताना जरा फटाफट से. एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट पे कर दिया, और ये इंटरेस्ट अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. अदरवाइज इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट तो पे कर दिया. अगर ये बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के वजह से नहीं हुआ है तो शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, यानी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट टू कैश, और दूसरी एंट्री पीएनएल टू इंटरेस्ट. इस इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. देखो जरा फटाफट से दोबारा क्या कहा मैंने. मैंने ये बोला कि भाई अगर कोई बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के लिए इनकर किया गया है तो क्या होगा, मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया फॉर इंटरेस्ट पेड. मेरे एग्जाम्पल में 1.2 लाख का इंटरेस्ट था एंड दिस इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ एसेट. ये क्वालिफाइंग एसेट थी बिल्डिंग, इसकी कॉस्ट में इंटरेस्ट को जोड़कर दिखा दिया. अदरवाइज मान लेते हैं मैंने लोन लिया, उस लोन को मैंने इस्तेमाल कर लिया किसके ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जो क्वालिफाइंग एसेट नहीं थी. नाउ उस इंटरेस्ट का क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 1.2 लाख, और अगली एंट्री बोलो बेटा फटाफट से, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1.2 लाख रुपीज, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. आई होप इतनी बात ठीक होगी, समझ में आती है बात, ये बोलो बेटा. चलो फटाफट से एक एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ साथ यहां पर. क्या बोल रहा है ये, इसी पॉइंट को और डिटेलिंग के लिए फटाफट से एक एग्जाम्पल लिखेंगे.
लो बेटा, आज आज 1 जनवरी 2020 को लोन लिया मैंने 10 लाख का एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सर क्या करोगे इस लोन का? इस लोन में से 5 लाख मैं लगाने वाला हूँ बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 लाख रुपए मैंने मशीनरी परचेज की और 2 लाख रुपए खर्च किए हमने फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। भाई रोज पैसे की ज़रूरत पड़ती है, रोज रोज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैंने ये बाकी 2 लाख रुपए खर्च किए, सैलरी पे करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, मेंटेनेंस का खर्चा देना है, रेंट देना है एंड सो ऑन, तो सब के लिए 2 लाख का इस्तेमाल कर लिया। खैर साल के अंत तक आते आते ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे को पूरे साल का 10 लाख पर 12% के हिसाब से 1.2 लाख रुपीज। पॉइंट इज कि इस 1.2 लाख के इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हाउ टू अकाउंट फॉर दिस इंटरेस्ट, दिस बोरिंग कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बोरिंग कॉस्ट है? हाँ बिल्कुल है, बोरिंग कॉस्ट तो है। बोरिंग कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। हाँ जी पैसा बोरो किया था इसलिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए बोरिंग कॉस्ट है। अगर मैंने पैसा बोरो नहीं किया होता तो मुझे इंटरेस्ट भी ना देना पड़ता। तो दिस कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बोरिंग ऑफ फंड्स, ये है तो इसलिए ये देना पड़ेगा, तो ये बोरिंग कॉस्ट तो हो गई, डेफिनेशन पूरी। हाँ बोरिंग कॉस्ट AS 16 में तो आ गया, ये 1.2 लाख का ट्रीटमेंट, 1.2 लाख का ट्रीटमेंट क्या होगा ये तो आपको AS 16 ही बताएगा। अब बात आती है AS 16 कह रहा है जी बताओ बताओ ये आपने बोरिंग कॉस्ट इनकर क्यों की थी। मैंने कहा जी एक तो बिल्डिंग बनवाई उससे मैंने, फिर एक मशीनरी भी खरीद लाया हाथ के हाथ, बाकी 2 लाख मैंने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए रख लिए थे, उसी में इस्तेमाल कर लिए। तो AS ने बोला जी बताओ अच्छा इनमें से क्वालिफाइंग एसेट कौन कौन सी है, क्वालिफाइंग एसेट कौन कौन सी है। बस बेटा उसका जवाब देना है AS, खत्म, उसी का जवाब देना है बस AS, फिनिश। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसने बता दिया, यहां पर आकर मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंप्लीटेड, यहां पर आकर यहां पर 31 दिसंबर को आकर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो गया था। तो जी बताएं ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वेदर दिस बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट और नॉट। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब वो एसेट जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड, बनाने में या एक्वायर करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाए। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 12 महीने, वैसे हम अपने लिए एक महीना भी मान सकते हैं। तो यस क्लियरली दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट। डेफिनेशन पढ़ो क्वालिफाइंग एसेट की, चेक करो सारी सिचुएशंस पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। आओ क्वालिफाइंग एसेट मींस एसेट कौन सी वाली जल्दी, क्वालिफाइंग एसेट मींस एसेट कौन सी वाली एसेट विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग गया फॉर गेटिंग रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। यस दिस इज क्लियरली अ क्वालिफाइंग एसेट। आओ बेटा मशीनरी परचेज्ड, 3 लाख की मशीनरी खरीद कर ले आए, वेदर दिस इज अ क्वालिफाइंग एसेट और नॉट।
क्वालिफाइंग एसेट मीन्स एसेट विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. क्या इसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा? आंसर इज नो. पैसे लेकर गए 3 लाख रुपए, पेमेंट किया, मशीनरी खरीद लाए, कहां लगा सब्सटेंशियल? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इसकी एक्विजिशन में नहीं लगा. हां सर, फिर एक्विजिशन में तो कभी भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा ही नहीं. लग सकता है, वैसे लग सकता है कि मैंने एक्वायर की मशीनरी लेकिन पहले ऑर्डर की और मेरे हिसाब से फिर मशीनरी कहीं थर्ड पार्टी पर बनाई गई और फिर मैंने उसको एक्वायर किया, तो दैट विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. आज मैंने लोन लेकर ऑर्डर किया, बनी मशीन और फिर मैं एक्वायर करके लाया, तो एक्विजिशन में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग गया, लग सकता है. बट यहां पर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो मेरे केस में मशीनरी हम परचेज कर लाए बट इसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा, और जब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा तो दिस इज क्लियरली नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट. एंड सिमिलरली यहां तो कोई डाउट होगा ही नहीं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पैसा लगा दिया. मुझे खुद नहीं पता कि कहां कहां पैसा लगाया, कुछ सैलरी के लिए, कुछ रेंट के लिए, कुछ रॉ मटेरियल परचेज एंड सो ऑन. तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट. लो जी बेटा, ये तो तय हो गया कौन सी क्वालिफाइंग है कौन सी क्वालिफाइंग नहीं है. अब बात आती है सर इस इंटरेस्ट का, तो बताओ इस इंटरेस्ट का क्या? सर ये 1.2 लाख का इंटरेस्ट लगा इस सारे लोन पर, 10 लाख के लोन पर. तो आओ आओ, ये जो लोन था, लोन था 5 लाख का, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना बैठेगा? एट द रेट ऑफ 12% वो बैठेगा 0.60 लाख, 60,000 का. ये था लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. सिमिलरली फॉर मशीनरी 3 लाख, फॉर मशीनरी 3 लाख, 3 लाख की मशीनरी पर लोन बैठेगा 0.36 लाख, और फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 लाख, 0.24 लाख. कुल मिलाकर इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा? बताओ ना बेटा, ये हो गया इंटरेस्ट हमारा 1.2 लाख. बेटा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? कुल मिलाकर 10 लाख के लोन पर. हाँ जी बैठ रहा है बिल्कुल. नाउ अब बात आई ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट की. तो क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट है, बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है, ये नॉट क्वालिफाइंग एसेट है और ये भी नॉट क्वालिफाइंग एसेट है, तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? बिल्डिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है विल बी कैपिटलाइज्ड और इसको ट्रांसफर्ड टू पीएनएल. बस इतनी सी बात है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. सर झट से जरा एंट्रियां भी बता दीजिए. लो बेटा एंट्री लिखो. एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1.2 लाख टू बैंक 1.2 लाख, और क्या करेंगे इस इंटरेस्ट का 0.60 लाख विल बी कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, रेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू पी
पीएनएल अकाउंट। बस बेटा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में इस प्रकार का, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में इस प्रकार का। एग्जाम्पल दिया है छोटा सा मैंने आपको यहां पर, फटाफट से नोट करो उसको, फटाफट से नोट करिए। 10 लाख का लोन था, 10 लाख का लोन था 12% के हिसाब से, जिसमें से 5 लाख मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए लगा दिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में पूरा साल लग गया, साल के अंत तक जाकर हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा कर पाए। मशीनरी जाकर हाथ के हाथ ले आए, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, और बाकी 2 लाख रुपए यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। करो बेटा फटाफट से नोट करिए, एंट्री भी नोट कर लेना। असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं हमारे पास बहुत सारे जो हम कवर करेंगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार के, वो हम असाइनमेंट से कवर करेंगे। फिलहाल थोड़े से आइडिया के लिए मैंने यहां पर आपके साथ ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, चलिए लिखें बेटा, कुछ और लिख लेते हैं एक एग्जांपल क्लैरिटी के लिए ही। जहाँ आपने डेफिनेशन लिखी है क्वालिफाइंग एसेट की, जहाँ आपने डेफिनेशन लिखी है क्वालिफाइंग एसेट की, वहीं पर आगे लिखिए क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ सर, कुछ एग्जांपल्स क्वालिफाइंग एसेट के, जिससे आपको बार बार डिसीजन मेकिंग ना करनी पड़े। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्वालिफाइंग एसेट के जो आपको क्वेश्चंस में देखने को भी मिलेंगे बार बार, जैसे बिल्डिंग। बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग भी बनी बनाई थी, पैसे दिए खरीद कर ले आए, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट होगी? आंसर इज नो। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको चेक हर बार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ जनरली एग्जांपल्स की बात करें तो दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या एयरक्राफ्ट्स, या डैम, या प्लांट एंड मशीनरी। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर इन सब का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप तो ये क्वालिफाइंग एसेट हो जाएंगी। बनी बनाई खरीद कर ले आए पैसे देकर, तो क्योंकि उसको एक्वायर करने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। लिख लो और आगे एक और, फॉलोइंग आर नॉट considered as qualifying asset, लिखें following are not considered as qualifying asset, ये qualifying asset नहीं होती। जैसे एक तो बताया मैंने आपको working capital, वर्किंग कैपिटल आपने बोरिंग्स की और उस बोरिंग्स को लगा दिया वर्किंग कैपिटल पर, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने पर, तो दैट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। सिमिलरली आपने पैसा बोरो किया और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, या इन्वेस्टमेंट कर दिया डिबेंचर्स में, या एडवांस टू सप्लायर, किसी को एडवांस दे दिया आपने, लोन लिया बोरिंग्स की और वो बोरिंग्स करके
किसी सप्लायर को पेमेंट कर दिया, उसकी रिक्वायरमेंट थी भाई कुछ जमा करो तब माल भेजूंगा आपको, तो मैंने वो एडवांस भेज दिया किसी सप्लायर को, यस क्लियरली नॉट अ बोरिंग कॉस्ट। लेकिन नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स, कोई ब्रांड नेम खरीद लाए, सो अगेन दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होती, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट, नोट करिए बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे, आपने लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, मेन टॉपिक पर आ जाइए, मेन चार्ट जो बनवा रहा हूं मैं आपको, समरी जो बना रहे हैं हम उस मेन समरी पर आ रहे हैं, उस मेन समरी पर वापस लौट के आ रहे हैं। थर्ड मेन पॉइंट, पहले सीखा हमने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट, दूसरी चीज ट्रीटमेंट क्या रहेगा, हाउ टू ट्रीट दिस अकाउंट, हाउ टू डील विद द बोरिंग कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तीसरी बात कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट मेन टॉपिक कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, भाई ये तय हो गया सर ये बोरिंग कॉस्ट है, AS 16 में आएगी, ये भी तय हो गया कि ये बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के लिए की गई है यानी कैपिटलाइज भी होगी। अब सर कैपिटलाइजेशन शुरू कब करें, कैपिटलाइजेशन शुरू कब करें, मान लेते हैं मैंने यहां पर लोन रेज किया और यहां कहीं जाकर लोन रीपे कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इतने पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट मुझे देना पड़ा दिस इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। ये भी पता है ये लोन मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए लिया था और उसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है तो वो कैपिटलाइज होना है, तो क्या सारा का सारा बोरिंग कॉस्ट उठाकर कैपिटलाइज कर दें, आंसर इज नो। तो फिर बेटा लोन ले लिया तो थोड़ा ना आज से ही आप, फिर तो एक काम करो लोन ले लो और लोन लेकर घर बैठ जाओ, बनाएंगे बिल्डिंग, बनाएंगे बिल्डिंग, ब्याज जा रहा है इसके ऊपर, ब्याज बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ता जाएगा, किताबों में बिल्डिंग है 5 लाख रुपए की क्योंकि 5 लाख का ब्याज दे चुके हो, साइट पर जाकर देखोगे खाली मैदान पड़ा हुआ है, हाँ प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है। तो सिर्फ लोन ले लेने से काम ना चलेगा, देर आर सर्टेन कंडीशंस विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड बिफोर यू स्टार्ट कमेंसिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो यहां पर जो पहला मुद्दा हम कवर कर रहे हैं इसके बाद, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सॉरी दैट इज कमेंसमेंट कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि भाई कैपिटलाइजेशन करना कब से शुरू करें, कब से शुरू करें, ये बात तो तय है। हम कौन से विंग की बात कर रहे हैं, AS 16 में बोरिंग कॉस्ट है और इसमें भी जो बोरिंग कॉस्ट है वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए है, इसीलिए कैपिटलाइज करेंगे और कैपिटलाइज कब से शुरू करेंगे। लिखिए नेक्स्ट पेज पर जाकर, अब नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन के बारे में कुछ दो चार बातें हैं वो लिखवा रहा हूं मैं, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर हेडिंग कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन
कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन लिखें, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विल कमेंस इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस, मैंने वर्ड यूज किया है ऑल द, यानी सारी कंडीशंस, ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कुछ शर्तें हैं, तीन शर्तें हैं, जिस दिन भी ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी उस दिन के बाद का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हैं। तो बेटा उस दिन तक के इंटरेस्ट का क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी पेमेंट के दो ही ट्रीटमेंट होते हैं, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल नहीं है तो क्या करेंगे? विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। आइए वापस, तीन शर्तें क्या क्या हैं? पहला लिखिए बोरिंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, या बोरिंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट इनकर की गई हो। मैं ये ना कह पाऊंगा कि सर मैंने ये 10 लाख रुपए अपने मित्र से ले लिए, उसने तो बिना ब्याज के दे दिए मेरे को। भाई घनिष्ठता हमारी बहुत ज्यादा है, पुराना मित्र है मेरा, तो उसने पैसे लिए ही नहीं ब्याज के, लेकिन मैं किसी और से लेता तो मुझे बोरिंग कॉस्ट देनी पड़ती। तो सर वो तो आप अलाउ करते ना ऐड करने के लिए, उतनी बोरिंग कॉस्ट से तो बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़वा देते ना। तो ठीक है, मैं अपने रिलेशंस की वजह से ले आया, लेकिन मैं तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करूंगा, नहीं कर सकते। एस सोले ने बोला आप बोरिंग कॉस्ट जो आपने पे ही नहीं की, नहीं कर सकते। सबसे पहली शर्त क्या है? बोरिंग कॉस्ट इनकर होनी चाहिए। अगर पे ही नहीं की, इंप्यूटेड बोरिंग कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है सर, सर मैं बैंक से लोन तो लाया हूं और सर ब्याज भी मुझे देना है, इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट तो इनकर होगी, इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट तो इनकर होगी, और सर लेकर बैठ गए आप, नहीं तो इसलिए दूसरी शर्त है एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड। आपको, आपने जब लोन ले लिया तो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा। जब तक आप कोई खर्चा ना कर दोगे तब तक कैपिटलाइजेशन शुरू करने की अनुमति मैं आपको नहीं दूंगा। यू कैन कमेंस द कैपिटलाइजेशन ओनली व्हेन द एक्सपेंडिचर इज बीइंग इनकर्ड। जब तक खर्चा आपने शुरू नहीं किया तब तक बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज बिल्डिंग की कॉस्ट के साथ जोड़ने की अनुमति मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है सर, सर सुनो अब, सर मैं ना लोन लेकर आया हूं बैंक से, तो इसका मतलब ब्याज तो देना पड़ेगा, और मैंने हाथ के हाथ क्या किया सर, कुछ पैसे से सीमेंट के कट्टे, कुछ ब्रिक्स, कुछ और रेत वगैरह, वो ऑर्डर भी कर दी, यानी एक्सपेंडिचर भी क्वालिफाइंग एसेट पर इनकर हो गया और घर आकर बैठ गए आराम से। तो क्या आप जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे उसको जोड़ने की अनुमति दे दूं? आंसर इज नो। देर इज अनदर लास्ट कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। क्या है सर वो? लिखे एक्टिविटीज
दैट आर नेसेसरी एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस. यह एक्टिविटीज चलती रहनी चाहिए. एक्टिविटीज चलती रहनी चाहिए. ये नहीं कि बस लोन लिया और कुछ खर्चा कर दिया उसके ऊपर, एसेट के ऊपर, काम खत्म. नहीं, एक्टिविटीज शुड कॉन्टिन्यू. एक्टिविटीज जो आवश्यक हैं, दैट आर नेसेसरी एसेट को बनाने के लिए, जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब प्रोग्रेस में होनी चाहिए. यस, एक्टिविटीज डज नॉट ओनली मीन फिजिकल एक्टिविटी. मतलब जरूर सर, हम तो देख कर आए हैं सर साइट पर, ना तो लेबर है वहां कोई, ईंटे वींटे जरूर पड़ी हुई हैं, लेबर वेबर तो कोई है ही नहीं. तो उसका मतलब एक्टिविटीज नहीं चल रही सर. चल रही है बेटा. मैं आर्किटेक्ट के पास गया, आर्किटेक्ट से मीटिंग है आज मेरी, फिर हम वहां से जो MDA है या कोई और डेवलपमेंट अथॉरिटी है शहर की, वहां पर गए हैं नक्शा पास कराने के लिए. दीज ऑल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्टिविटीज विच आर इन प्रोग्रेस. तो द वर्ड एक्टिविटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एक्टिविटीज ओनली. क्लियर है बात? यानी काम चलता रहना चाहिए. वो हो सकता है आपको साइट पर जाकर दिख जाए, या हो सकता है पेपर्स पर चल रहा हो, वो अलग बात हो गई. तो जिस दिन भी ये तीनों शर्तें पूरी कर दोगे, उस दिन मैं बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज शुरू करने की परमिशन दे दूंगा. कमेंसमेंट माने शुरुआत. भाई शुरुआत कब से होगी? ये लो, शुरुआत. कमेंसमेंट की शुरुआत कब से कराएंगे? ठीक है बेटा, शुरुआत नोट करिए फटाफट से. नेक्स्ट पढ़िए. तो सर इसका मतलब एक बार कैपिटलाइजेशन शुरू हो गया तो परमानेंटली चलता ही जाएगा वो. तो लो बेटा, क्या कहा मैंने यहां पर? लोन रीपेड यहां पर कंडीशंस फुलफिल्ड कर दी क्योंकि मैंने, तो कैपिटलाइजेशन कमेंस्ड. यहां से कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगा. है तो ये पूरी की पूरी बोरिंग कॉस्ट ही. समझो भाई, जिस दिन से लोन ले लिया और जब तक वापस नहीं करोगे, है तो ये पूरी बोरिंग कॉस्ट, लेकिन कैपिटलाइजेशन यहां से शुरू होगा. तो यहां तक की बोरिंग कॉस्ट का क्या करेंगे? बोरिंग कॉस्ट ट्रांसफर्ड टू PNL. यहां से कमेंसमेंट शुरू हो जाएगा. यहां के बाद की बोरिंग कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़कर दिखाएंगे. तो सर मतलब एक बार शुरू हो गया तो जब तक लोन रीपे ना हो तब तक उसे जोड़ते जाएंगे क्या? नहीं बेटा, अगर किसी वजह से यहां पर एक्टिविटीज रुक गई, अगर एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा, एक्टिविटीज का मतलब कोई सी भी, कुछ भी काम नहीं हो रहा. सर यहां पर तो काम भी शुरू करा दिया था, सारी शर्तें पूरी हो गई, कमेंसमेंट शुरू हो गया, यहां पर आकर एक्टिविटीज सस्पेंडेड
एक्टिविटीज रुक गई, एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा काम, क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे रीजंस हैं। अगर किसी नॉर्मल रीजन के वजह से काम नहीं हो रहा तब तो कैपिटलाइजेशन चालू रहेगा, लेकिन एबनॉर्मल रीजंस के वजह से काम रुका तो कैपिटलाइजेशन भी रोक देंगे। जैसे क्या हुआ, यहां पर लेंटर डाला हमने, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, लेंटर डाला और एक महीने तक आपको पता होगा लेंटर को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, कोई काम नहीं होता उसमें, 20 दिन 25 दिन कोई काम नहीं हुआ, एक्टिविटीज सारी रुक गई। मुझे बताओ कैपिटलाइजेशन ये तो पक्का इतना तो कैपिटलाइज होगा ही होगा। अब जब एक्टिविटीज रुक गई तो इस पीरियड के इंटरेस्ट का क्या करेंगे? तो मैंने बताया एक्टिविटीज कैन बी सस्पेंडेड ड्यू टू नॉर्मल रीजंस या ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। भाई लेंटर डाला है काम रोकना ही पड़ेगा। नाउ दिस इज नॉट अ एबनॉर्मल रीजन, और वास्तव में देखा जाए काम रुका ही कहां है, काम चल रहा है। बताओ क्या काम चल रहा है वहां पर, साइट पर एक काम चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ, लेंटर सूख रहा है। अगर सूखने ना दोगे तो गिर जाएगा, जो भी काम करेगा वो हर्ट हो जाएगा। तो बेटा काम चल रहा है, काम कहां रुका है? एक्टिविटीज आर एक्चुअली नॉट सस्पेंडेड। खैर, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है काम रुका हुआ है और वो नॉर्मल था। भैया रुकेगा ही रुकेगा, वो तो हम डैम बना रहे हैं, अब 3 महीने रेनी सीजन है तो भाई काम रोकना ही पड़ेगा, नॉर्मल है। तो भाई पता था जिस दिन मैंने शुरू किया काम डैम बनाना, उसी दिन मुझे मालूम था कि डैम बनाने में 2 साल लगेंगे और उनमें 3-3 महीने रेनी सीजन होता है, उस दौरान काम हो ही नहीं पाएगा। तो दैट इज अ नॉर्मल रीजन। तो अगर नॉर्मल रीजन के वजह से काम रुकता है तो कैपिटलाइजेशन विल कॉन्टिन्यू, लेकिन अगर एबनॉर्मल रीजंस के वजह से काम रुकता है तो क्या होगा? बोरिंग कॉस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। तो जिस दौरान काम सस्पेंड रहा उस दौरान का बोरिंग कॉस्ट पीएनएल में भी जा सकता है या कैपिटलाइज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि काम रुका किस वजह से। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखाऊंगा यहां पर, दैट इज सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कि एक बार शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसको चलाते ही रहेंगे, कैपिटलाइज ही करते रहेंगे, बीच में कैपिटलाइजेशन रोकना भी पड़ सकता है। चलो अभी लिखवाता हूं, एक और पॉइंट समझ लो, हाथ क्या चार्ट बना हुआ है। और अल्टीमेटली यहां पर आकर कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। क्या लगता है आपको कहां तक की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है ये वाला और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने दूंगा वंस द क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीटेड। तो उसके बाद भी हो सकता है लोन और 5 साल बाद पे करो, आप 10 साल बाद पे करो, 10 साल तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो क्या उसे उस इंटरेस्ट को बार बार बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़कर दिखाते रहेंगे? आंसर इज नो। यहां पर आकर परमानेंटली कैपिटलाइजेशन विल सीजेस,
कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट सीजेज, परमानेंटली खत्म हो जाएगी। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? टेम्परेली रोक देना, और सेसेशन का मतलब क्या होता है? परमानेंटली रोक देना। तो सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो उसके बाद का फिर अब जितना भी इंटरेस्ट होगा उसका क्या करेंगे? ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट टिल द डेट द लोन इज रीपेड। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ ही एएस हमारा लगभग लगभग समाप्त हो गया। दो बातें हैं लिखवा रहा हूं अभी मैं आपको, एक लिखवाऊंगा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, एक लिखवाऊंगा सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। आप चाहो तो उससे पहले ये एक चार्ट फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से। पूरा एएस की समरी हो गई हमारी, अब ये पूरे एएस की समरी हो गई। मैंने आज लोन रेस किया, जब तक मैं लोन रीपे करूंगा तब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस पूरे को ही बोरिंग कॉस्ट बोलेंगे। एएस 16 सिखाएगा मुझे कि इस पूरी इंटरेस्ट का क्या करेंगे। तो जिस दिन क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, जिस दिन ये सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी, क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिया ये भी तय हो चुका है, लेकिन कमेंसमेंट कैपिटलाइजेशन की आज से ही शुरू नहीं होगी। जिस दिन तीनों शर्तें, तीन शर्तें कौन कौन सी थी? बोरिंग कॉस्ट इनकर की हो पहला, दूसरा बोलो बेटा, दूसरा बोरिंग कॉस्ट पहली बात तो इनकर की गई हो, दूसरा एक्टिविटीज कंटिन्यू रहे, और तीसरा आपने खर्चा बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर किया हो। जब वो शर्तें पूरी हो जाएंगी उस दिन से कैपिटलाइजेशन शुरू कर देंगे, लेकिन वहां तक का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। तो क्या एक बार शुरू हो गई तो क्या हमेशा चलता रहेगा? नहीं, जिस दिन कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी उस दिन तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद का ट्रांसफर टू पीएनएल। ओहो, बिल्डिंग बनने से लेकर बिल्डिंग खत्म होने तक का सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है ना? जल्दीबाजी मत करो, हो सकता है बीच के किसी पीरियड का कैपिटलाइजेशन रोकना पड़ जाए। कब रोकना पड़ेगा? अगर एक्टिव डेवलपमेंट एक्टिविटीज रुक जाएं। ओहो सर, मतलब जब भी एक्टिविटीज रुक जाएंगी कैपिटलाइजेशन रोक देंगे ना? जल्दीबाजी नहीं, अभी देखो एक्टिविटीज रुकी क्यों। अगर नॉर्मली रुकना तय था फिर तो कैपिटलाइजेशन को होने दो, लेकिन अगर रुकना अब नॉर्मल रीजंस के वजह से हुआ तो कैपिटलाइजेशन रोक देंगे, अब इस बोरिंग कॉस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ये दोनों बातें लिखवानी है अभी मुझे आपको। ये समरी मैं चाहूंगा आप पूरे एएस की फटाफट से नंबर लाइन कॉपी कर लीजिए, करिए, करना बेटा फटाफट से, जरा देखें कौन बच्चा सबसे पहले करेगा। एएस 16 ऑन बोरिंग कॉस्ट क्लास 1 क्वेश्चंस करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके। फटाफट से पहले नोट कर लीजिए इसको। चलिए हटा दूं बेटा इसको यहां से। दो पॉइंट और लिखने हैं बस, वो लिख लीजिए। कमेंसमेंट के बाद जगह नहीं है इसलिए इसको हटा रहा हूँ। कमेंसमेंट के बाद फोर्थ मेन हेडिंग है हमारी जो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, एंड दैट इज सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। कमेंसमेंट का मतलब था शुरू करना, सस्पेंशन का मतलब क्या है? रोक देना, टेम्परेली रोक देना। लिखें इसमें सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन में, लिख लीजिए दो चार लाइनें। व्हेन एक्टिव डेवलपमेंट When active development
इज नॉट टेकिंग प्लेस. When active development is not taking place due to abnormal reasons, then capitalization of borrowing cost will be suspended. अगर किसी एबनॉर्मल रीज़न के वजह से काम रुक गया है तो बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रोक देंगे. रोक देंगे लिखें इसी में नोट, एक इसी के नीचे लिखिएगा यहाँ पर नोट, नोट लिखें इसी में, इसी में लिखेंगे नोट छोटा सा. कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी सस्पेंडेड. शुड नॉट बी सस्पेंडेड कब नहीं रोकेंगे भाई? अगर नॉर्मल रीजन के वजह से काम रुका आपका, जैसे लेंटर डलना था, जैसे डैम बना रहा हूं, 3 महीने बारिश आनी आनी है, बहुत ज्यादा पानी का जो बहाव होगा बहुत तेज होगा, काम रोकना इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ऐसे में हम कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड टेम्परेरली नहीं रोकेंगे, और वो उस पीरियड का इंटरेस्ट भी, 3 महीने बारिश चली तो उस इन 3 महीनों का जो ब्याज दिया गया, 1 महीने लेंटर डला, 1 लेंटर डलने के बाद सूखने दिया गया, तो उस 1 महीने का ब्याज भी बिल्डिंग की कॉस्ट में या डैम की कॉस्ट में जोड़कर दिखाएंगे. कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी सस्पेंडेड व्हेन अ टेम्परेरी डिले when a temporary delay is necessary part is a necessary part of process is a necessary part of process is a necessary part of the process. अगर ये नेसेसरी है, डिले अगर जो आपका काम हो रहा है वो नेसेसरी था, रोकना आवश्यक था भाई, रुकता ही रुकता काम सबको मालूम था, तो ऐसे में कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड नहीं करेंगे. शुड नॉट बी सस्पेंडेड. लास्ट पॉइंट लिखें इसका, लास्ट टॉपिक आ गया बेटा सेसेशन, सीज करना. ये लो सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट. बता दिया सेवन पॉइंट मैंने आपको कि रोक ही देंगे. ये थोड़ा ना है कि जब तक लोन वापस ना करेंगे तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते जाइए. ना भाई ना, क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है. ये थोड़ा ना कि जब तक आपने लोन वापस ना करोगे तो एक टाइम सीमा तो होगी ना कि भाई कब तक का, कब परमानेंटली रोक दोगे, खत्म कर दोगे. सर जिस दिन बिल्डिंग बन जाए वहां तक का लोन, वहां तक का ब्याज तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, उसके बाद का ना जुड़ेगा. लिखें सेसेशन में लिखिए whenever asset is ready
when the asset is ready for its intended use or sale. जब एसेट रेडी हो जाएगी इस्तेमाल में लाने के लिए या बेचने के लिए, यानी फिक्स्ड एसेट की बात करें या इन्वेंट्री की बात करें, तो जिस दिन भी वो एसेट तैयार हो जाएगी उस दिन आप कैपिटलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, रोक देंगे, परमानेंटली रोक देंगे. सस्पेंशन होता है टेम्परेरली रोक देना, सेसेशन होता है परमानेंटली रोक देना. या ऐसा भी हो सकता है कि भाई बिल्डिंग बनने में तो लगेगा अभी समय, लेकिन आज लोन पहले ही रीपे कर दिया तो अब ऐसी बात है. और लिख लो उसमें ये चाहे फिर भी, और लिखें, और व्हेन बोरिंग कॉस्ट stops being incurred. Borrowing cost आनी ही ख़त्म हो गई, यानी किसी को देना ही नहीं पड़ रहा ब्याज, अब उससे पहले ही लोन चुकता कर दिया. जिस दिन तक का ब्याज है उस दिन, जिस दिन तक का लोन है उस दिन तक का ब्याज, या उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, ऐसा मान लीजिए. तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, जिस दिन काम ख़त्म हो जाए उस दिन रोक देना, या लोन उससे पहले ही पे कर दिया तो उससे पहले तक का रोक देना, बात खत्म. तो बेटा ये था हमारे पास यहां पर AS 16 ऑन बोरोइंग कॉस्ट, AS 16 ऑन बोरोइंग कॉस्ट. इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एग्जाम में पक्का पूछेगा ही पूछेगा एक क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का. ठीक, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं. धन्यवाद, बाय बाय.